अमिताभ बच्चन अपने शो कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्टेंट्स के साथ खूब मस्ती करते हैं। वह उनके साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करते हैं। अब अमिताभ ने हाल ही में शो के दौरान बताया कि जब जया बच्चन रोमांटिक फील करती हैं तो उनके साथ क्या करती हैं। बिग बी की इस बात को सुनकर कंटेस्टेंट और दर्शक भी हैरान रह गए। दरअसल शो का प्रोमो आया है जिसमें बिग बी सामने बैठे कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि क्या वह कुक बन सकते हैं। तो कंटेस्टेंट ने कहा कि अगर वह किचन में जाते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें बाहर कर देती है, तो कहती है कि मेरी किचन में नो एंट्री है। इसके बाद बिग बी ने उनसे पूछा कि उनकी पत्नी उनके लिए क्या खाना बनाती है, तो वह कहते हैं कि उनकी पत्नी उनके लिए सब बनाती है। हमारी लड़ाई भी होती है तो भी वह लंच में मुझे नोट्स लिख कर देती है। वह लिखती है कि मेरे मफिन के लिए मफिन। बिग बी दोनों के रोमांस के बारे में सुनकर हंसते हैं। क्या बोले बिग बी? फिर कंटेस्टेंट ने बिग बी से पूछा कि जया बच्चन भी क्या उनके लिए लव नोट्स भेजती हैं? तो बिग बी ने कहा, सर चिट्ठी नहीं मिलती है, पर जिस दिन प्रेम प्रेम हो उस दिन बहुत प्यार से जो चीज हमको अच्छी लगती हो वो अपने हाथ से हमारे मुंह में डाल देंगी। बिग बी की बात सुनकर दर्शक हंसने लगते हैं और तालियां बजाते हैं। बता दें कि बिग बी और जया की शादी साल 1973 में हुई थी और दोनों के दो बच्चे अभिषेक बच्चन और श्वेता हैं। दोनों के नाती पोती नव्या, अगस्त्या और आराध्या भी हैं। शादी से पहले रखी थी शर्त। जया ने इससे पहले नव्या के पॉडकास्ट हट द हिल नव्या में बताया था कि शादी से पहले बिग बी ने जया के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने बताया था कि बिग बी नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी 9 से 5 बजे वाली जॉब करे। वह चाहते थे कि जया काम तो करे लेकिन रोज नहीं। उन्होंने यह भी बताया था कि बिग बी चाहते थे कि वह उन्हीं फिल्मों में काम करे जो सही लोगों के साथ हों। कहां हुई शादी? बता दें कि बिग बी और जया की शादी जया बच्चन की दादी के घर हुई थी। दोनों की शादी भी अचानक हुई थी। दरअसल फिल्म जंजीर की सक्सेस के बाद बिग बी इस खुशी को जया के साथ विदेश जाकर सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन बिग बी के परिवार वालों ने क्लियर कर दिया था कि शादी से पहले दोनों साथ नहीं जा सकते। इसके बाद दोनों ने तुरंत शादी